हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश लखारा, इंफिनिटी करियर इंस्टीट्यूट अजमेर में तो स्वागत करता हूं। ठीक है, आज अपन मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर डिफरेंशिएशन शुरू कर लिया था, कुछ बेसिक फॉर्मूले उसके डिस्कस कर लिए थे, डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये डिस्कस कर लिया था, और डिफरेंशिएशन के लिए कंपोजिट फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लिया था। आज कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, उसके कुछ सॉल्यूशन वगैरह भी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर जो 5.2 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एक तरह से डी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना, तो मतलब मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए, मैं इसको तो हटा रहा हूं, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला है, मतलब डी अपॉन डी एक्स करना है। ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अपने ध्यान से देखें तो ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अगर डिपेंडाइगा बनाए तो मेन फंक्शन किसका हो गया, साइन का, और उसके अंदर कौन हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, सीनियर का मल्टीप्लाई बाई उसका जूनियर, मल्टीप्लाई बाई उसका जूनियर, सबसे लास्ट वाला जूनियर तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, ये मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं आपको। ठीक है, आपको डाउट है तो आप सर्च कर लीजिएगा पहले वाला वीडियो, की डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इंफिनिटी करियर इंस्टीट्यूट अजमेर पर। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स की जगह कौन, ये पूरा, तो क्या जाएगा इसका, कोस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू डी अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, टू एक्स प्लस जीरो, तो ये क्या हो गया, कोस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू 2x प्लस जीरो। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 2x cos x स्क्वायर प्लस फाइव, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखिए क्या लिखा है, cos ब्रैकेट में sin x, तो फंक्शन क्या होता है वैसे, cos x, x की जगह कौन आ गया, कोई दूसरा फंक्शन sin x, तो सीनियर कौन अभी, कोस, उसका जूनियर कौन, साइन एक्स। तो पहले कोस एक्स का, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब आपको डी अपॉन डी एक्स करना है कोस साइन एक्स के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स की जगह कौन, ये साइन एक्स पूरा, साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं थर्ड नंबर पे, डी अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कोस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए माइनस साइन, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो कोस एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखो ना, तो कोस एक्स को हमेशा क्या पहले लिख दिया करो, जो भी इसके साथ में आ रहा है, तो माइनस कोस एक्स साइन साइन एक्स। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपकी बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग की वजह से क्या आएगी, ये साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई तो इस पूरे से होना है बजाय इसके। ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या करोगे आप, साइन और साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये पूरा एंगल बना दोगे, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी है, चलेगा वो भी चेक करते हैं, लेकिन पहले चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं। ठीक है ना, ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, सेक टेन रूट एक्स, सीनियर कौन, सेक, उसका जूनियर कौन, टेन, उसका जूनियर कौन, रूट एक्स, सबसे पहले सीनियर का, तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, एक्स की जगह कौन, ये पूरा, तो क्या हो जाएगा इसका, sec x, मतलब ये sec x tan x, tan sec x, x का मतलब ये हो गया, तो sec x
टेन रूट एक्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है लेकिन ठीक है ना, इनटू ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, तो इसको भी हटाओ, इतना नहीं होगा डी बजे ठीक है, किसका हो गया इसका। अब डी अपॉन डी एक्स किसके लिए, टेन रूट एक्स के लिए ठीक है। तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर है, एक्स का मतलब कौन, रूट एक्स, तो ये क्या हो गया आपके लिए, सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स इंटू क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन, रूट एक्स, आपकी बार सीन है टेन हो गया, रूट एक्स इंटू, अब डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, तो क्या हो गया ये आपके पास, सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स, या फिर टेन रूट एक्स एंगल है, सेक थीटा, थीटा की जगह मतलब ये पूरा आ गया, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, यहां पे एंगल ये हो गया रूट एक्स, इंटू ये क्या हो गया, 1/2 √x, ये आंसर आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर यहां तक ठीक है। चलेगा, थर्ड और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें, इतना आप कॉपी कर लीजिएगा पहले, कर दो इतना। चल देखो ये क्वेश्चन करते हैं ठीक है, थर्ड वाला ठीक है। तो साइन थीटा मतलब साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, एक्स की जगह कौन आ गया, ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या हो गया पहले, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, ए एक्स प्लस बी का। अब ए एक्स प्लस बी का क्या हो गया, ए इंटू वन ठीक है, प्लस बी इसका क्या हो गया, जीरो, कॉन्स्टेंट का जीरो, ये भी कॉन्स्टेंट है लेकिन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, सेफ है ठीक है, ये मैं रूल में बता चुका हूं आपको। तो इस पूरे का कितना हो गया, ए, तो ए को मत रख दो, मतलब ए कोस ए एक्स प्लस बी ठीक है, इसका हो गया आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया सपोज ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो यू अपॉन वी से, यू अपॉन वी से हो गया ठीक है। तो यू अपॉन वी के अंदर क्या होता है, देखिए आपके पास फॉर्मूला तो है, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो क्या होता है, देखो वी स्क्वायर जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, यहां पे वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ठीक है यू डी वी अपॉन डी एक्स, अगर ये मल्टीप्लाई में हो यू इंटू वी तो यहां पे प्लस आता है केवल ये, तो ये तो आता नहीं, वी स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स वी प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स ठीक है, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में है तो सेम वही चीज है लेकिन माइनस साइन है, तो ध्यान ऐसे रखना, पहले जो न्यूमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ठीक है। यहां पे बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं ठीक है, तो इसमें देखिएगा डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा इसका, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ठीक है इंटू, अब यहां पे क्या होगा, कोस सी एक्स प्लस डी तो मल्टीप्लाई में रहेगा, और डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन, अब साइन ए एक्स प्लस बी तो मल्टीप्लाई में ठीक है, और कोस मतलब डिफरेंशिएशन इसका, डी अपॉन डी एक्स कोस ये क्या हो गया, सी एक्स प्लस डी ये हो गया, क्लियर यहां तक ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया कोस सी एक्स प्लस डी ठीक है, प्लस डी, अब कोस सी एक्स प्लस डी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पूरे के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है ना। अब इस डिफरेंशिएशन में ये समझो, देखो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे ये देखिएगा, सोचे देखो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, सीनियर कौन साइन, उसका जूनियर कौन ए एक्स प्लस बी पूरा ठीक है ना,
तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा, पहले कोस एक्स, एक्स की जगह कौन, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू इंटू किसका, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ए ए इंटू वन प्लस जीरो ए ए हो गया, समझ में आ रही बात। माइनस यहां पे देखिएगा साइन एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अब यहां पर किसका, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पूरे से डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कोस एक्स, एक्स की जगह कौन सी एक्स प्लस बी, तो कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू किसका डिफरेंशिएशन सी एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया है मतलब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सी इंटू वन, सी प्लस जीरो इंटू सी हो गया, अपॉन ये क्या बन गया आपके पास कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर ये हो गया, क्लियर। अब आप मल्टीप्लाई कर लो बोले चाहे तो, ये क्या हो गया, तो देखिएगा ये आपके पास हो गया आंसर में ए कोस एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी माइनस, कोई ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस सी सी साइन ए एक्स प्लस बी कोसाइन सी एक्स प्लस डी अपॉन, ये हो गया आपके कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर ये मान लो ए या सी नहीं होता ना, या फिर दोनों जगह ये, या तो यहां पे दोनों जगह ए होता या दोनों जगह सी होता, तो क्या कॉमन आ जाता, फिर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाता, फिर हो जाता कोस ए माइनस बी आगे और हो जाता, लेकिन अब सोचने से क्या है, जब है नहीं, ये तो यही आंसर है फिर, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, देखिएगा डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, ठीक है, एक बार इसका सुनो, पहले पहले जो डिब्बा डायग्राम वाला कुछ कंसेप्ट देखा था, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ वो, ठीक है, तो उसको पहले समझते हैं। देखिएगा यहां पे कितने डिब्बे नजर आ रहे हैं सामने से, देखने से दो डिब्बे हैं जो मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, हर फंक्शन को एक डिब्बा मान रहे हैं, यहां पे मेन डिब्बा किसका कोस का, उस डिब्बे को खोलते हैं तो उसमें से किसका डिब्बा निकलेगा एक्स क्यूब का, ठीक है, एक मिनट इसका थोड़ा सा डिब्बा डायग्राम बनाते हैं, ये डिब्बा एक ये हो गया डिब्बा, ये डिब्बा हो गया कोस का और ये डिब्बा किसका हो गया एक्स क्यूब का, ठीक है, डॉट यहां पर भी डिब्बा कितना है, अच्छा जहां पर भी पहले पावर हो किसी भी फंक्शन की, यदि पावर हो तो प्रायोरिटी हमेशा उसको मिलेगी, ठीक है, साइन स्क्वायर इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स की पावर फाइव, ठीक है, ये तो एंगल हो गया, इसका होल स्क्वायर इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर पावर टू एक डिब्बा बन गया पावर टू एक्स स्क्वायर, उसके अंदर डिब्बा किसका साइन का, उसके अंदर डिब्बा किसका साइन का, और उसके अंदर डिब्बा किसका है एक्स की पावर फाइव का डिब्बा, ठीक है, तो इससे क्या कि कुछ डायग्रामेटिकली कुछ चीजें दिमाग पे आ जाएगी, जब डिफरेंशिएशन जब करना है तो दो डिब्बे दिखने में, दो ही डिब्बे आ रहे हैं ना, दोनों मल्टीप्लाई में, ये अलग बात है, दोनों ही कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें एक बार में एक को लड्डू देना, ये बात मैं बता चुका हूं मैं क्लियर आपको, पहले जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, बीच में प्लस साइन लगाते हुए, ठीक है, तो जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो इसको मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव इंटू डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्यूब, क्लियर,
प्लस अब कोस एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं कोस का डिब्बा एक्स क्यूब का डिब्बा ठीक है इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं देखो तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव इंटू अब बताओ कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू क्लियर इंटू ये तो कंपोजिट फंक्शन है जब तक लास्ट जूनियर नहीं आ जाए तब तक इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स क्यूब का क्लियर यहां तक यहां पे देखिएगा प्लस कोस एक्स क्यूब तो ये हो गया इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले किसका होगा पावर टू का तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स तो एक्स की जगह कौन किसकी पावर साइन एक्स की पावर फाइव की ठीक है तो टू एक्स एक्स की जगह कौन साइन एक्स की पावर फाइव साइन एक्स की पावर फाइव इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका अब इसके जूनियर किसका साइन का मतलब साइन एक्स की पावर फाइव का करना है ठीक है ये क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव ठीक है बार माइनस साइन भी ले लूंगा नहीं माइनस साइन ठीक है ये हो गया साथ में और इंटू साइन एक्स क्यूब इसका कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है इसको पहले लिख देंगे ठीक है प्लस टू बार ले लूं बोले मल्टीप्लाई में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर फाइव अब बताओ देखिए इसका क्या हो गया तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स एक्स की जगह एक्स की पावर फाइव कोस एक्स की पावर फाइव इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर फाइव ठीक है तो ये क्या हो गया देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव प्लस टू कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर फाइव इंटू कोस एक्स की पावर फाइव और इसका कितना हो गया डॉट फाइव एक्स की पावर फोर ठीक है ये बना आपके लिए आंसर अब देखिए और अगर सोल्व करना चाहें आगे तो देखिएगा कुछ कॉमन ले क्या कुछ आगे देखिएगा और भी अगर सोल्व करें तो ठीक है तो ज्यादा सोल्व करने से तो और क्या कुछ ज्यादा मीनिंग है नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहीं तक ठीक है फिर साइन एक्स की पावर फाइव अगर कॉमन भी लेंगे तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं ठीक है या फिर इसको टू से टू साइन एक्स की पावर ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो देखो ये है ना टू ये इस तरह से कर दो देखो यहां पे देखो ज्यादा से ज्यादा ये लिख दो देखो टू साइन एक्स कोस बी टू साइन एक्स कोस है साइन टू है साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा ठीक है साइन टू साइन थीटा कोस थीटा एंगल हाफ हो रहा है या फिर ऐसे देखो टू साइन थीटा कोस थीटा हो तो क्या लिख दो साइन टू थीटा तो यहां पर देखो टू साइन थीटा कोस थीटा थीटा मतलब एक्स की पावर फाइव क्या हो जाएगा साइन टू थीटा मतलब साइन टू एक्स की पावर फाइव तो ये लिख लो बोले एक और यहां पर लिखना चाहो तो ये क्या हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव प्लस
कितना हो गया देखो, साइन टू थीटा, तो साइन टू एक्स की पावर फाइव, ठीक है, और ये हो गया कोस एक्स क्यूब इंटू फाइव एक्स की पावर फोर, ठीक है, तो ये बन गया बस। अच्छा इसमें कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे साइन एक्स की पावर फाइव है या साइन टू एक्स की पावर फाइव है, तो बोले एक्स स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा, लेकिन कोई मतलब है नहीं, बस इतना ही ठीक आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आप कॉपी कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सेवन क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स टू रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो टू रूट कोट एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो एक बात बताओ, टू तो कॉन्स्टेंट है ना, इसको तो सीधा ही मान ले लो भाई, अगर ये है, अगर ये अलग अलग है, टू और रूट कोट एक्स स्क्वायर है, तो टू तो सीधा ही बाहर आ गया, मतलब टू और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई में सोच रहा हूं, देखो टू इंटू और ये है तो, ठीक है, अब इसका हो जाएगा टू, तो रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स की जगह कौन, ये पूरा, क्योंकि रूट एक्स फंक्शन ले रहे हैं, तो वन बाई टू रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, अब कोट एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो ये टू से टू तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो वन अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू, तो बताओ कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स की जगह कौन, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस में, मतलब माइनस लगा रहा हूं मैं बाहर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, टू एक्स, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, इसमें और कुछ तो चेंजेस कराए क्या, फॉर्म देखें एक बार, चलो देखते हैं, देखिए और भी कोई फॉर्म बन रही हो तो, इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो माइनस का टू एक्स कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, चलो देखो वन अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर कोट को, और कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर, एक चला गया ये ऊपर साइन, तो क्या बन गया, माइनस टू एक्स, चलो मैं यहीं पे लिखा हुआ आगे भी, तो इक्वल माइनस टू एक्स रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कोस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर यहां तक, अब देखो अगर ध्यान से देखें तो देखो अगर रूट एक्स है अपॉन एक्स है, ठीक है, तो रूट एक्स अपॉन इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखने से एक कैंसिल आउट हो गया, मतलब वन अपॉन रूट एक्स बच जाएगा, ऐसे यहां पे देखो इसके लिए सोचो, देखो बात करते हैं, देखो इसके लिए और यहां पे, तो एक ही यहां से रूट हटके यहां लग जाएगा ना, ये समझ में आ रही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ऊपर था रूट नीचे क्यों लगा दिया है, कैंसिल आउट कराएंगे तो यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा आपके इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन रूट कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू वन अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, एक कैंसिल आउट हो गया रूट टाइम, और ये वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
वही साइन टू ए का फॉर्मूला लगाना चाह रहे, टू साइन ए कोस ए वाला, माइनस टू एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या बन गया देखो, ये साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर यहां तक? अब ऐसा करो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया माइनस टू एक्स अपॉन रूट में टू साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर? ऐसा इसलिए मर्जी से टू से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, जहां कैलकुलेशन ज्यादा दिखी मल्टीप्लाई करो तो जीरो से, ठीक है? तो अब यहां पे देखो, सुनो बात को समझो, ये वाली चीज क्या बन रही है, ये टू साइन ए कोस ए साइन टू ए, ये वाली चीज, ठीक है ना, क्या बन जाएगी साइन टू ए, ये रूट टू वन अपॉन जो रूट टू ये ऊपर चला जाएगा, माइनस टू रूट टू एक्स अपॉन ये क्या बन गया रूट के अंदर साइन टू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है? मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एक तरह से, टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, ठीक है? तो ये बन गया, बस आप चाहो तो प्लीज इसको कोस एक्स स्क्वायर, और ज्यादा सोल्व होगा नहीं, ठीक है? बस यहीं तक है, ठीक है? बस यहीं तक इसको कोस एक्स स्क्वायर लिख लो बोले यहां, ठीक है? अब एनसीईआरटी में या आगे कहीं यहां तक दे रखा है तो यहां तक, बाकी डिफरेंशिएशन तो यहीं तक हो गया, आंसर तो आ गया। अब क्या कि अलग अलग बुक्स के अंदर क्या कि फॉर्म अलग चाहिए, ठीक है? तो हमको ये पता नहीं होता ना भैया कौन सी फॉर्म चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दिया। ये उसी तरह से चीज है कि फॉर एग्जाम्पल आपको अजमेर से जयपुर तक जाना है किसी गाड़ी लेकर, ठीक है? अब आप जयपुर चले गए, अब आपको जयपुर में किसके घर पे जाना है ये तो आगे चल के पूछना पड़ेगा, मैं जयपुर तक पहुंच गया हूं, बताओ कहां चलना है। सेम इसी तरह से डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, ठीक है? अब आपको कौन सी फॉर्म लानी है, तो अलग अलग कुछ बुक्स तो यहां तक मान लेके हाँ ठीक है डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, हो गया, कुछ नहीं आगे और सॉल्यूशन करके ये करते हैं, ठीक है? इसके लिए परेशान नहीं होना आपको कभी भी, डिफरेंशिएशन करना है हमने कर दिया। तो आपको भैया किसमें आंसर चाहिए, साइन में आंसर चाहिए क्या, तो भाई कोट को कोस बटा साइन चेंज कर करा के करेंगे, ठीक है ना? इसको कोस से कोट लिख लो, बोले कोस एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये बन गया आपके लिए क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन नंबर एट, ये तो बिल्कुल इजी है, ठीक है? कोस रूट एक्स कंपोजिट फंक्शन पहले हो जाएगा कोस का, फिर मल्टीप्लाई में रूट एक्स का, ठीक है? डिफरेंशिएशन हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाई करके लिए, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का क्या हो गया वन बाई टू रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स इंटू वन बाई टू रूट एक्स, बस यही आंसर हो गया, आप कॉपी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं देखो, ठीक है? देखिएगा कोई फंक्शन आपको ये प्रूव करना है नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल इसका आप डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, ठीक है? ये डिफरेंशियबल है ही नहीं फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है? तो दो चीजें ध्यान रखो, देखो हालांकि डिफरेंशियबिलिटी वाला सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कोई भी फंक्शन, पहले लॉजिक समझना, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है? और आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है फॉर ए फंक्शन, फॉर ए फंक्शन टू चेक डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए, किसी भी पॉइंट पर चेक करना है, तो आपको क्या करना है, दो चीजें निकालना है, एक तो आर एफ डेस एक्स राइट डिफरेंशिएशन, एक लेफ्ट डिफरेंशिएशन, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच,
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एक होता है एल एफ डेस एक्स लेफ्ट डिफरेंशिएशन, इसको कुछ जगह पर एफ डेस ए प्लस एच भी लिखते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू रख देता हूं मैं, ठीक है ना ए, ठीक है, तो कुछ जगह ये भी लिखते हैं या फिर आर एफ डेस है, और एक एल एफ डेस है, ये होता है एफ ओ ए माइनस एच माइनस एफ ओ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है, इफ आर एफ डेस ए इक्वल टू एल एफ डेस ए देन फंक्शन इज डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए, ये डिफरेंशियबल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर दोनों चीजें निकालो, अगर इक्वल है तो एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल है, आपको फंक्शन दे रखा है मॉड्यूलस का, ठीक है, अब आपको क्या करना है इन अबाउट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में क्लियर, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, देखो आपके पास जो फंक्शन है इन इक्वेशन, इन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस वन, ठीक है, अब आपको देखो चेक करना है कहां पर एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना है, तो आर एफ डेस वन, इसको कहते हैं राइट डिफरेंशिएशन, राइट डिफरेंशिएशन, और एक को लेफ्ट एल के साथ चले, तो ये क्या हो जाएगा एफ ओ वन प्लस एच माइनस एफ ओ वन अपॉन एच, ठीक है, ये हो गए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो ये वैल्यू निकालो देखें, तो क्या आ गई देखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है ना, तो एफ ऑफ वन प्लस एच एक्स की जीरो वन प्लस एच बनना है, जहां जहां एक्स हो वन प्लस एच भर दो, तो वन प्लस एच माइनस वन भर दिया, एक्स की जगह वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या होगा वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, ठीक है, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब है माइनस की नंबर हो चाहे प्लस की, माइनस टू प्लस टू, प्लस का 3.4 प्लस का 3.4, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 1 माइनस 0.7 का मतलब ये नहीं होगा कि 1 प्लस 0.7 गलत है, 1 पूरी नंबर देखो 1 माइनस 0.3 मतलब 0.3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा ना ना कि सर 1 माइनस एच का मतलब क्या 1 प्लस एच हो जाएगा, नहीं एच तो बहुत कम नंबर है एक तरह से, ठीक है, अपॉन एच, ठीक है, ये क्या हो गया देखो वन से वन कैंसिल आउट हो गए यहां पे, क्या बच गया सिर्फ एच, एच का मोड भी एच ही हो गया, ठीक है, क्या बचा सिर्फ एच, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर ही बन गया एच माइनस जीरो अपॉन एच, लिमिट हमेशा ध्यान रखना एच टेंस टू जीरो सबसे एंड में रखने की, अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है लिमिट रखने के अलावा, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये कट कटा के वैल्यू कितनी आ गई वन आर एफ डेस वन, अब यहां पे चेक करते हैं एल एफ डेस वन, एल एफ डेस वन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओ वन माइनस एच माइनस एफ ओ टू वन, एक ही जगह वन रख दिया मतलब अपॉन माइनस एच, तो क्या हो जाएगा वही लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ओ एक्स बराबर, तो एफ ओ वन माइनस एच, तो एक्स की जगह क्या करना वन माइनस एच माइनस वन,
का मोड माइनस, ये हो ही गया आपके 1 माइनस 1 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच का मोड 0 अपॉन माइनस एच। अब यहां मॉडुलस की वजह से ये वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव एच आ गई, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच, मोड हटा रहे पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू कट कट आई कितनी आ गई माइनस 1। ये वैल्यू क्या आ गई एल एफ डेस 1 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो बात को कि आर एफ डेस 1 और एल एफ डेस 1 क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, ये नॉट इक्वल है। सो फंक्शन इज, फंक्शन जो भी फंक्शन दे रखा आपको, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। वैसे हमेशा ध्यान रखना मॉडुलस वाले फंक्शन जितने भी होते हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन जहां पर वो फंक्शन ब्रेक होता है टूटता है उस पे डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होते, ठीक है। कहां टूटने का मतलब, जो भी दो वर्टिकल लाइन है उनके बीच में जो भी फंक्शन है उसको 0 के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो जो एक्स की वैल्यू आएगी उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक तरह से तीखा कोना आ जाता है एक तरह से, ठीक है। चलो इतना कॉपी करो आप, फिर अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, एक तरह से ब्रैकेट्स के अंदर जैसे कुछ लिखा हुआ होता है, वो वैसे तो किसी भी इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअस ही नहीं है फंक्शन, ब्रेक हो जाता टूट जाता है, ठीक है। अभी यहां पर बिना ग्राफ के डायरेक्टली इसको समझते हैं, इससे पहले मैं एक चीज कुछ बताना चाह रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आपको नहीं भी पता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर लाइन बनाई है मैंने, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से जो भी इनपुट है, आप कुछ भी इनपुट रख सकते हो, एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इस साइड में जो फर्स्ट इंटीजर मिलेगा वही आंसर आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। अगर आपने शुरुआत में इंटीजर भर दिया जो, तो वो का वही होगा, अदरवाइज किसी कोई भी अगर बीच में रखा तो इस साइड में जो भी फर्स्ट इंटीजर मिलेगा, ठीक है ना, वही आंसर आएगा। जैसे 2.4 तो 2.4 कहीं करीब यहां पर हो गया, तो इस साइड में फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, 2 माइनस, अच्छा 4.7, तो 4.7 करीबन कहीं यहां पे आ गया होगा, तो फर्स्ट इंटीजर कौन सा हो गया 4 माइनस का 2.7। अब ये बताओ, तो माइनस 2.7 करीबन यहां पे आ गया होगा ना कहीं भाई, माइनस का 2.7, तो इस टाइप में फर्स्ट इंटीजर कौन है, -3, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर -2 आ जाएगा, समझ में आ रही है, माइनस का 0.4, तो -0.4 कहां पर होगा, यहां पे तो आंसर क्या आएगा -1, और प्लस का 0.4 होता तो, प्लस का 0.4 होता तो किधर आंसर आता, 0, ठीक है। अच्छा लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू प्लस एच, इसका बताओ 2 प्लस एच, एच का मतलब ये हो गया 0.0000, बहुत ही कम नंबर हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हो इतना, इससे भी कम है टेंस टू 0 कि वे लगभग 0 की तरफ मान सकते हैं, ठीक है। अब बताओ तो 2 प्लस एच का मतलब ये इधर हो गया ना, 2 हल्का सा इधर, तो आंसर क्या आएगा 2, लेकिन अगर ये होता 2 माइनस एच तो 2 माइनस एच का मतलब इधर हो गया, तो 2 माइनस एच में भी इधर की तरफ पहला इंटीजर कौन हो गया 1, ठीक है, वही लिमिट एच टेंस टू 0 है, ध्यान रखना। अच्छा अब ये आ जाए 5, इंटीजर 5,
फाइव भी आ जाएगा, स्टार्ट होते ही इंटीजर मिल गया, माइनस टू रवाना होते ही इंटीजर मिल गया माइनस टू, इंटीजर जो होगा आंसर वो कब ही आएगा। इंटीजर के अलावा कुछ भी नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है, तो इस साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में जो भी आपके फर्स्ट इंटीजर होगा वो मिल जाएगा। क्लियर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी भी इसकी यहां पे, ठीक है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ये पता लगाना है, ठीक है, कहां कहां पर, एट वन एंड टू पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू वन, तो आर एफ डेस वन एफ ओपो वन प्लस एच माइनस एफ ओपो वन अपॉन एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो एफ ओपो वन प्लस एच, तो एक्स की जगह क्या भरेंगे, वन प्लस एच माइनस ये हो गया वन, ठीक है। फंक्शन मशीन इनपुट एक्स है तो आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स, जब इनपुट में वन प्लस एच भरेंगे तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट वन प्लस एच, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मतलब, अपॉन एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब बताओ देखिए वन प्लस एच में आंसर क्या आएगा, जीरो वन टू, तो वन प्लस एच में करीबन यहां पे, तो आंसर फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया वन माइनस, और वन पे तो वन ही आ गया, अपॉन एच, ठीक है, जीरो अपॉन एच आंसर क्या हो गया जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आंसर बन गया जीरो। आर एफ डेज वन, लिमिट में हमेशा ध्यान रखना एच टेंड्स टू जीरो सबसे एंड में रखना है कि वो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी जीरो अपॉन एच, एच का मतलब एग्जैक्टली जीरो तो है, ठीक है, पॉइंट जीरो 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 समथिंग, इसलिए आंसर क्या आ गया जीरो। क्लियर समझ में आ रही मेरी बात, हाँ कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है कि सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भी लास्ट में बराबर जीरो रखो, जो आएगा आएगा, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया राइट डिफरेंशिएशन और लेफ्ट डिफरेंशिएशन, तो एल एफ डेस वन क्या हो जाएगा, ये एफ ओपो वन माइनस एच माइनस एफ ओपो वन अपॉन माइनस एच, ठीक है, वही लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब बताओ ये क्या हो गया, वन माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब बताओ देखिए वन माइनस एच, तो वन माइनस एच करीबन हो गया यहां पे, वन से कुछ कम, ये वन है तो वन माइनस एच हो गया मतलब करीबन यहां पे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसमें से, जीरो माइनस ये हो गया वन अपॉन माइनस एच, तो वन अपॉन एच। अब देखो इसमें अब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना, अब रखना ही पड़ेगा एक्सटेंस टू जीरो, वैल्यू कितनी आ गई इंफिनिटी, ठीक है, ये हो गया एल एफ डेस वन, ठीक है ना, एल एफ डेस वन बराबर बन गया ये, और ये बन गया आर एफ, तो अब क्या लिखेंगे, आर एफ डेस वन नॉट इक्वल टू एल एफ डेस वन, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। क्लियर समझ में आ रही मेरी बात, रख कर दो इसको, ठीक है। अब एक इस पे चेक करना, एक्स इक्वल टू टू पर भी चेक करना, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, तो एक्स इक्वल टू टू पे चेक करना है तो टू, तो यहां पर एफ डैश टू क्या लिखेंगे, टू प्लस एच टू। अब बताओ देखें ये भी बन गया टू प्लस एच, ये बन गया टू, ठीक है, पहले ये चेक करते हैं, तो टू प्लस एच में से बताओ देखिए आंसर क्या आ गया, वन टू थ्री, तो टू प्लस एच करीबन यहां पे, तो आंसर क्या आ गया टू, ये भी आ गया आंसर टू, ठीक है, जीरो अपॉन एच जीरो बन गया, ठीक है। अब यहां पे भी चेक करें टू, तो टू माइनस एच ये हो गया आपके लिए टू, ये भी बन गया, ठीक है। अब टू माइनस एच का बताओ, तो टू माइनस एच करीबन यहां पे, तो आंसर क्या आएगा इसमें से वन, और यहां पे आंसर टू, तब की बात क्या बन गया, ये माइनस वन अपॉन माइनस एच, वापस वही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का वन अपॉन एच इंफिनिटी, तो टू पर भी इक्वल नहीं है, ठीक है, सेम यही कहानी इसके लिए भी हो गई,
फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू टू, तो दोनों पर ही डिफरेंशियबल नहीं है, और यह आपकी एक्सरसाइज शांतिपूर्वक कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।